हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ, शाही पनीर। इसे बनाना एकदम आसान है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमें क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर 4 से 5 गार्लिक क्लव्स ले लिए हैं, अदरक ले लिए है 1 इंच, 4 हरी मिर्च ले लिए है, टमाटर ले लिए। टमाटर को मैंने जो है ना बीच से 4 भागों में काट दिया है, ज़्यादा पतले मैंने यहाँ पे नहीं काटे, आपको यहाँ पे टमाटर मोटे मोटे ही काटने हैं। और मैंने यहाँ पे ले लिए प्याज, उन्हें भी मैंने ज़्यादा मोटा नहीं ना पतला, ऐसे ही मीडियम साइज रफली चॉप कर लिया है। और ले लिए हैं मैंने यहाँ पे काजू। तो सबसे पहले हमें इन सारी सब्जियों को तेल में जो है वो सोटे करना है, पकाना है। चलिए मैं यहाँ पे ना 1 चम्मच जो है बड़ा स्पून वो तेल डाल दूँगी सरसों का, और सबसे पहले इसे गरम होने दूंगी। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी हमारी प्याज यानी कि अनियंस। आपको प्याज को हमें कम से कम 6 से 7 मिनट सोटे करना है इन सारी सब्जियों से अलग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज डाल दूँगी, इसको मैं अच्छे से सोटे कर लूँगी कम से कम 5 से 6 मिनट। और जब जाके मैं आगे अपनी जो और वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर काटी है वो ऐड करूँगी। देखिए इन्हें हो गए हैं 5 से 6 मिनट, इन्हें पूरा यहाँ पे कलर चेंज नहीं करना है, इतने में ही हम यहाँ पे अपनी बाकी जो सब्जी है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 4 हरी मिर्च मैंने काटी थी वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, और यहाँ पे मैंने डाली है अदरक 1 इंच से करीब, मैंने यहाँ पे अदरक डाल दी है। और ये जो लहसुन की कलियाँ हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दी, और ये मैंने टमाटर लिए थे ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, इन्हें मैंने काटा है मोटा मोटा, और काजू मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इन सबको मैं जो है आराम से चला लूँगी। देखिए अगर आपको यहाँ पे जो कुकिंग प्रोसेस वो थोड़ा फास्ट करना है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, इससे जो इन्हें जल पकाने में ना बहुत जल्दी आसानी से पक जाते हैं ये, और ज़्यादा टाइम आपको नहीं जाएगा। देखिए 10 मिनट पकाने के बाद ना मेरे जो टमाटर है वो पूरे मशी हो गए, एकदम पक चुके हैं और आसानी से इनके छिलके जो है वो निकल रहे हैं। तो अब ये हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। मैं अब क्या करूँगी, इसे गैस को बंद कर दूँगी, और जो भी हमारे बाकी टमाटर के जो ये छिलके हैं यानी कि वेस्ट है ये, तो हमें ये हमारी ग्रेवी में नहीं चाहिए, और ये ग्रेवी को थोड़ा टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें हम यहाँ पे से निकाल देंगे। ये गर्म है तो मैंने यहाँ पे फोक की हेल्प से इन्हें निकाल दिया है, सारे मैं यहाँ पे निकाल दूँगी। ये खाने में भी अच्छे नहीं होते, ये वेस्ट मटेरियल ही होता है हमारे फूड में, तो सब मैं अच्छे से निकाल दूँगी। देखिए सारे जो है मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट निकाल दिए। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें हटा के फेंक दूँगी, और इन सबको मसाले को थोड़ी देर मुझे यहाँ पे ठंडा करना है, उसके बाद मैं एक मिक्सी के जार में इन्हें निकाल दूँगी सारा और पीस दूँगी इन्हें। हमारे मसाले यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं और मैं यहाँ पे अब इन्हें ग्राइंडर में डाल रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से ग्राइंड करूँ, और आपको इन्हें एकदम पतला बारीक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो ग्रेवी हमारी जितनी स्मूथ ये होगा उतनी ही अच्छी ग्रेवी बन जाएगी हमारी। देखिए मेरे यहाँ पे पिस चुके हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी दाने या फिर दरदरापन बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो इन्हें छान भी सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पीस लिया है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने ले लिया 1 बड़ा चम्मच जो है घी, और यह है बटर। तो बटर अच्छे से यहाँ पर मेरा पिघल गया था, मैंने यहाँ पर जीरा ऐड कर लिया है, जीरे के साथ मैंने यहाँ पर हींग भी ऐड कर ली है। इन दोनों को हम ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम मैंने यहाँ पे ले ली है साबुत लाल मिर्च, और उसके बाद मैं यहाँ करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च या फिर जो आपके पास मिर्च हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि हमारा मसाला जो है वो ऑलरेडी गर्म है। 1 से 2 सेकेंड मैंने यहाँ पका लिया है, और तुरंत ही मैं यहाँ पर जो हमने अपनी ग्रेवी बनाई थी वो ऐड कर दूँगी। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है बस ये सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा लाती है और कलर अच्छा, क्योंकि शाही पनीर जो है ना वो ज़्यादा ही तीखी नहीं होती है, वो क्रीमी एकदम अच्छी होती है। और यहाँ मैंने डाल दी है हमारी क्रीम, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे क्रीम ऐड कर दी है, इससे हमारी ग्रेवी और ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इन सबको अब मैं अच्छे से पकने दूँगी कम से कम 2 से 3 मिनट। देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो अपना आप ही स्मूथ होने लगी है। यहाँ पे मैं कुछ मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी, ये गरम मसाला मैंने ऐड करा है, खड़े मसाले को मैंने पीस के सारों को वो ही ऐड करा है, धनिया पाउडर, और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर,
और आधा ही चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है नमक। तो इन सबको मैं जो है अच्छे से चला लूँगी, पका लूँगी मसाले कम से कम 3 से 4 मिनट। देखिए ये पक चुके हैं अच्छे से। मैं अब ऐड कर लूँगी पानी, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी ग्रेवी आपको गाढ़ी लगे तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से यहाँ पे पका लूँगी इस पानी को भी। अब ये हमारी जो ग्रेवी है वो बन के रेडी है। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया कसूरी मेथी, सूखी हुई मेथी है। चलिए इसको भी हम अच्छे से घोल लेंगे और अब हम ऐड कर लेंगे हमारे पनीर। पनीर को मैंने ट्रायंगल शेप में काट दिया है। इन्हें अच्छे से डाल के और हम इन्हें चला लेंगे और 2 से 3 मिनट हम पनीर डाल के भी अपनी जो ग्रेवी है वो पका लेंगे, ताकि जो ग्रेवी के मसाले हैं वो सारे पनीर में अच्छे से चले जाएं। देखिए हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है अच्छे से। अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे और गार्निशिंग में आप थोड़ी सी पुदीना या धनिया जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी सारी सब्ज़ी जो है वो सर्व कर ली है और ऊपर से मैंने गार्निशिंग में डाल दिया है धनिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, किस लोगों को पसंद नहीं होता है तो वो ये अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।